शेमारू के नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें। ए रंजो, आज की टाइमिंग क्या है? भैया एक्सीलेंट, कल से भी 45 सेकंड्स तेज। देखा, इसे कहते हैं दम। ए जा दम, तेरी किस्मत अच्छी है, मैं 45 सेकंड तेज भागा पिछली बार से। क्या? अच्छा, मतलब इसीलिए मेरी टाइमिंग अच्छी हुई। तो फिर? बेटा, कल तू पुलिस बनेगा और मैं चोर, फिर देखते हैं तू मेरी टाइमिंग बीट करता है क्या। अरे देख लेना देख लेना। कल? कल तुम लोग 6 बजे सुबह तैयार रहना। बेटा पप्पू, इसका मतलब कल सुबह 6 बजे फिर अपने 12 बजेंगे। अरे तुम दोनों का ये रोज रोज का चक्कर क्या है? हाँ, मैं जब भी पापड़ सुखाने डालती हूँ तुम दोनों आकर उनका कचूमर बना देते हो। चुप। अरे ताई, कुछ ही दिनों की तो बात है, बस आपका आशीर्वाद हो तो हम दोनों बहुत जल्द पुलिस ऑफिसर बन जाएंगे, फिर आपके पापड़ खाएंगे और मुजरिमों का कचुम्बर बनाएंगे। ओके। एक बात कहूँ बेटे, ये पुलिस का चक्कर छोड़कर तुम लोग कोई अच्छी सी नौकरी क्यों नहीं करते? बेटे, ये पुलिस की नौकरी में गरीबों की हाय और बददुआओं के सिवा कुछ नहीं रखा। ताई, चंद खराब ऑफिसर्स ने पूरे फोर्स का नाम बदनाम कर रखा है। रिश्वत खोर और बेईमान पुलिस ऑफिसर तो कोई भी बन सकता है, मगर बेईमानों के बीच में ईमानदार बना रहना, इसी को दम कहते हैं, और वो हम में है। या, ये एक भी शर्ट नहीं है यहाँ पर। सरस्वती, सरस्वती,
जी मेरी शर्टें कहाँ हैं? ले देकर 3 शर्ट हैं आपके पास, वो सारी धुलने में पड़ी है। ओफो। मैंने कितनी बार आपसे कहा है अपने लिए एक नई शर्ट खरीद लीजिए। अब मैं पहन के क्या जाऊं? अरे ये क्या कर रहे हैं आप? ये तो उदय की शर्ट है। जानता हूँ, बाप भी तो उदय का हूँ। सोचता हूँ आज थोड़ा स्टाइलिश बन के जाऊं, शायद ऑफिस वाले मेरा प्रोविडेंट फंड पास कर दें। वैसे सरस्वती एक बात बताओ, मैं कैसा दिख रहा हूँ? बिल्कुल ऋतिक रोशन पापा। ऋतिक रोशन अपना प्रोविडेंट फंड पास कराने के लिए मेरी तरह अपनी चप्पलें नहीं घिसता बेटी, समझी? वैसे उदय कहाँ है? उदय बाबूजी आ रहे हैं। बाबूजी तेरे टेस्ट की तैयारी कैसी चल रही है बेटा? ठीक चल रही है। अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो काटकर से मदद ले लेना और उनसे कहना कि मैंने कहा है। और क्या हुआ? कुछ नहीं पापा, पापा पैसे चाहिए। तूने अभी ऊपर लिए तो है ना पापा? आप क्या बात है, ये क्या है? भैया का है, वो रोज ने सावधान। यह हमारा सिलेक्शन ऑफिसर। कैंडिडेट्स को बुलाना शुरू करो, चलो। ये सर, महेशगढ़ से। सर नमस्ते सर। सर मैं भी आप ही का गांव का हूँ, सतारा से हूँ सर मैं। अच्छा जी सर। सर वहाँ के जो कमिश्नर है ना, हाँ। वो मेरे पिताजी के बहुत अच्छे दोस्त हैं। सर उन्होंने एक चिट्ठी दी है सर आपके नाम। कैसे हैं सिन्हा साहब? बहुत अच्छे हैं सर। अच्छा आप वहाँ लाइन में खड़े हो जाएं। जी थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। नेक्स्ट। जय हिंद सर। कोई सिफारिश? जी नहीं सर। वहाँ जाके खड़े हो जाइए। सर पिछले 3 साल से मैं कोशिश कर रहा हूँ सर, लेकिन सिफारिश ना होने के कारण हर बार मुझे रिजेक्ट कर दिया जाता है सर। और फिर भी चौथी बार चले आए आप, जाइए वहाँ जाकर खड़े हो जाइए। सर मैंने कहा वहाँ जाके खड़े हो जाइए, जल्दी। नेक्स्ट। हेलो। हाँ यस सर। सर आपके लिए मंत्री जी का फोन है। हेलो नमस्कार साहब। हाँ जी कौन कौन साहब? राजीव माने? हाँ जी। ये सर आपने कह दिया, बहुत है, हो जाएगा सर। ओके सर। जैन साहब। ए राजीव माने कौन है? जी सर। कम हियर। ए थोड़ा बाजू में आ जाओ, साइड में। हेलो सर। अरे भाई तुम्हारे लिए मिनिस्टर साहब का फोन था। जी सर वो मेरे रिश्तेदार लगते हैं। अच्छा तो यूं करें वहां लाइन में खड़े हो जाए। थैंक यू सर। तुम अभी तक यहीं खड़े हो, वहां लाइन में खड़े हो जाइए ना, जाइए जाइए। हू इज नेक्स्ट? ये सब क्या है? मेरे एनसीसी और कॉलेज के सर्टिफिकेट्स हैं सर। कोई सिफारिश है? जी नहीं सर। तो किस बिना पर आप अपनी सिलेक्शन की उम्मीद रखते हैं? अपने काबिलियत के दम पर सर। ओह जाइए वहां जाकर खड़े हो जाइए, मैंने कहा वहां जाके खड़े हो जाइए, जल्दी। हू इज नेक्स्ट? पुलिस ऑफिसर बनने के लिए जितने क्वालिफिकेशंस चाहिए सब है हमारे पास, बस नहीं है तो किसी बड़े आदमी की सिफारिश। कुछ नहीं होगा यहाँ पे सर। हाँ बोलो। ये रही इनकी फाइलें, इन्हें कचरे में फेंको और इनको बाहर ले जाओ। और इनको सर? उन्हें ग्राउंड में लेकर आओ। बट सर डू एज आई से। Thank you, sir. हम आपके बहुत आभारी हैं सर। अरे वेट अ मिनट यार, पुलिस ऑफिसर बनना है ना? यस सर। यस सर। तो जिंदगी में एक बात याद रखना,
इस शब्द का इस्तेमाल कभी मत करना, क्योंकि अगर आज मैं किसी का आभारी होता तो तुम लोग यहां नहीं बाहर होते। आभारी बहुत भारी शब्द है, अक्सर लोगों को झुका देता है, लेकिन एक पुलिस ऑफिसर अपने कानून के अलावा कभी किसी के सामने नहीं झुकता, राइट? यस सर। वेरी वेल। क्या नाम बताया था तुमने? उदय सर। राइट उदय, वो जो दम वाली बात की थी ना तुमने? जी सर। मुझे बड़ी खुशी हुई, लेकिन अभी तुमने सिर्फ फिजिकल टेस्ट पास किया है, कुछ और टेस्ट पास करने बाकी हैं। सो आई वांट टू विश यू ऑल द बेस्ट गाइस। थैंक यू सर। इतना सा था जब मेरे पास आया करता था। अन्ना एक अठन्नी दो ना, अन्ना एक रुपया दो ना, ऐसा बोलता था। वो फड़का मारता था उधर। और अभी मेरे सामने बैठ के दारू पीता है, औकात भूल गया अपनी। अन्ना बस भी कीजिए ना, जरा काम की बात करते हैं। तू समझाएगा मुझे? तू अपनी औकात में रह। चल चल बैग बना। घूर क्या रहा? मारेगा मुझे? बा, बा, बा। अबे जा बैग बना। अबे देखता क्या है, चल उठ, चल चल बैग बना। अन्ना अब काम की बात करें। देख देशमुख, इसको समझा दे कि ये अपना रवैया बदल ले, वरना अच्छा नहीं होगा। अन्ना आज भी तख्ता पलटने की ताकत रखता है, मेरे इलाके में आकर मेरे ही आदमियों को मारता। ओफो अन्ना। क्या क्या अन्ना? अन्ना क्या क्या अन्ना? हा? अरे सारे वोट लोखंडे के हवाले कर दूंगा, समझा? कभी हमें भी मौका दे दिया करो समाज सेवा का। आंखें खुली रख, मौका खुद मिल जाएगा। I like it, brother. और कितने दिन लगेंगे? जीतू भाई मेरी लड़की की शादी तय हो चुकी है। तो मैं क्या करूं? क्या करूं? मैं पहले ही 10,000 रुपए दे चुका हूं आपको, कृपया करके मेरा प्रोविडेंट फंड रिलीज करा दीजिए ना। आप ये रट कितनी बार लगाएंगे हैं? मैं आपको एक नहीं 1,000 बार बता चुका हूं कि आपने जो रुपए मुझे दिए थे फाइल यहां तक आने में वो खत्म हो गए। और प्रोविडेंट फंड लेने के लिए आप अकेले नहीं, सैकड़ों लोग रोज आते हैं यहां पर, सैकड़ों। और आप तो टीचर हैं, आपको दुनियादारी का पाठ मैं पढ़ाऊं अच्छा नहीं लगता है ना? आप एक काम कीजिए, जब आपके पास 15,000 रुपए हो तब सुबह मेरे घर आ जाइए, मैं 2 दिन में आपका प्रोविडेंट फंड का काम कर दूंगा। अब कृपया दोबारा आप मेरा भेजा खाने के लिए यहां मत आइए प्लीज, ठीक है? हैं? आया आया, समझ गया ना? सब ठीक है ना? आप क्यों आ गए? मैं तो वैसे ही आपका काम करने वाला था, बस इधर से जा रहा था। तो आ गए तो चाय वाय लेंगे। क्या कह रहा था वो? वो 15,000 रुपए और मांग रहा है। और आपने क्या सोचा? दूंगा।
नमस्ते जीतू भाई हैं? हाँ हैं, आप कौन? उनसे कहिए दयाराम जी का बेटा है। पैसे लाए हो? मैंने पूछा पैसे लाए हो ना? बाबूजी बता रहे थे उन्होंने पहले से ही आपको 10,000 रुपए दे रखे हैं। यार तुम लोग क्यों मेरा वक्त बर्बाद कर रहे हो? इतनी सी बात तुम लोगों के समझ में नहीं आती? ये लीजिए। जब तक 15,000 नहीं दोगे फाइल आगे नहीं बढ़ेगी। बस चाय लीजिए। रहने दो। देखिए आप एक गवर्नमेंट क्लर्क हैं और ये आपका काम है। इसके लिए गवर्नमेंट हर महीने आपको तनख्वाह देती है। गवर्नमेंट? अगर मैं गवर्नमेंट की तनख्वाह पर जीता तो यहां नहीं किसी चौल में पड़ा रहता। दाढ़ी बनवाने से पहले 10 बार सोचना पड़ता मुझे। भाई देखो साफ साफ बात है, हर चीज की कीमत होती है। जी हाँ, वो तो हम देख ही रहे हैं। देख ही रहे हो तो समझ भी जाओ ना। मुझे भी बीवी बच्चों को पालना है। और दूसरों के बीवी बच्चे उनका क्या? उनका ठेका मैंने नहीं ले रखा है। नहीं, मेरा मतलब है अगर जब पैसे देने के लिए आ जाएंगे तब आ जाओ। अरे वहां कहां जा रहे हो आप लोग? दरवाजा तो इस तरफ है। टीवी अच्छी है? हाँ तो कितने की है? 30,000। अरे क्या, अरे क्या कर दिया तुमने यार? अब कितने की है? इतना महंगा? अरे मेरे डाइनिंग टेबल का ग्लास। अरे क्या कर रहे हो यार? क्या कर रहे हो? क्या रे रिश्वत चाहिए तेरे को? मार क्यों, बोल, मार क्यों रहे हो? लेकिन अपने काम करने के लिए रिश्वत चाहिए तेरे को? बोल, अरे मार क्यों रिश्वत चाहिए तेरे को? दूसरों का पैसा देने की रिश्वत चाहिए तेरे को? रिश्वत खोर। अरे ये क्या हो रहा है? अब पुलिस को फोन कीजिए ना। हाँ। यार उदय, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पुलिस को तो हमें खुद ही फोन कर देना चाहिए था। उनकी पूछताछ का तरीका कुछ और ही होता है। लीजिए बात कीजिए। पुलिस की धमकी किसी और को देना? शुक्र कर मैं अपने साथ एंटी करप्शन वालों को नहीं लेके आया। तेरी किस्मत अच्छी है, आज मैं सिर्फ तुझे समझाने आया हूं। समझा? अगर अब भी नहीं समझा तो ये रहा आपका प्रोविडेंट फंड, गिन लीजिए। पर जीतू भाई, सरकार पेमेंट चेक या ड्राफ्ट से करती है। आप इन सब बातों की चिंता मत कीजिए, बस आप सिर्फ दस्तखत कर दीजिए। ये यहाँ पर। कोई बात नहीं, पेन है ना? शुक्रिया। आपका पेन? नहीं, रहने दीजिए, आप ही का पेन है। जी नमस्ते, मैं चलता हूँ। नमस्ते। दयाराम जी, अगर किसी चीज की आपको जरूरत हो तो आप मुझे बताइए निसंकोच। क्या अपने आदमी काम आते हैं ना? नमस्ते। 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 आप जा रहे हैं? हाँ? अरे कुछ लेके जाइए, हमें भी मौका दीजिए आपकी खातिर करने का। नहीं हा? नहीं मैं कुछ खा के जाइए। नहीं कुछ नहीं, मैं पहले बहुत खा चुका हूँ। क्या सोच रहे हैं बाबूजी? यही कि जीतू भाई जैसा रिश्वतखोर आदमी और इतनी जल्दी बदल गया। पता नहीं बाबूजी, शायद किसी ने उसे अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करना सिखा दिया। इस तरह डरा धमका कर तुम मुझे चुप नहीं करा सकते, क्योंकि ये मेरी आवाज नहीं जनता की आवाज है देशमुख के खिलाफ। चंद बेईमान पुलिस अफसर और नेता अब हम पर राज नहीं कर सकते और ना ही हमारे इरादे बदल सकते हैं। इतना यकीन है अपने आप पर? देखते हैं। वैसे पुलिस का मतलब जानते हैं आप? पी फॉर पावर। ओ फॉर ऑर्डर।
L for law, I for income, C for commission. And E for encounter Shankar. साहब, इसका तो निकल गया, हैं? दबाओ, दबाता हूँ ना, एक बार, ठीक है? नहीं? समझा देना इसको. सुन साहब, बहुत अच्छे आदमी है दिल के, तेरा कुछ बुरा नहीं करेंगे. और एक बात बता, तू क्यों जनता के लिए अपने बच्चों को अनाथ बनाने पर तुला हुआ है? हाँ, मेरा कहा मान, बीबी बच्चों को लेकर सीधा गांव चला जा और बाकी जिंदगी आराम से बिता वहां. शंकर, समझा? अरे वे, किसको मरवाना चाहते थे आप? क्यों? मौत का नाम सुनते ही इसकी इसकी तो निकल गई. निकल गई. नेता क्या बनेगा ये? क्या कह रहे हो? पलट तो नहीं जाएगा ना? हा? अरे भाई, ठीक से समझा दिया ना उसको? हाँ, मैंने उसको समझा दिया. मेरे सामने खड़े नहीं होने का. जी नमस्कार. क्या सोच रहे हो? याद है बचपन में मैंने तुझे कितना सताया, खूब रुलाया. जब तू जाएगी ना, मुझे इतना रुला के जाएगी कि सारा बदला एक ही झटके में ले लेगी. इसके अलावा बस एक ही बात का काम है कि हम कौवे के मुंह में मोती क्यों दे रहे हैं. तैयार हुई कि नहीं तू? माँ देखो ना, ये उन्हें कौवा कह के बुला रहे हैं. अरे वाह, देखा माँ, अभी तक उसे मिली भी नहीं और कोई उन्हें कुछ कह दे तो इन्हें अच्छा नहीं लगता. माजी, वो लोग आ गए. अरे आ गए, चल चल. आइए आइए. नमस्ते बेटा. नमस्ते जी. काउ काउ. भैया. अरे कहाँ चली? जी एक्चुअली गाड़ी जरा प्रॉब्लम दे रही थी इसलिए. मेरी नमस्ते बेटी. अरे बस स्टॉप वाली. चाय बहुत फूक फूक के पीनी पड़ेगी ना, बहुत गर्म है. बाद में बताता हूँ. मेरे ख्याल से हमें इन दोनों को कुछ देर के लिए अकेला छोड़ देना चाहिए, क्यों? हाँ हाँ, आप सही कह रहे हैं. चलो चलो चलो, निकलो भाई. एक्सक्यूज मी. अरे ये क्या, आप तो अभी से मेरी बहन से डर गए? शादी के बाद क्या होगा? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है. आपकी बहन से मैं बिल्कुल भी डरा नहीं हूँ. बस इतना ही है कि मैं अपने इस फैसले में अपनी बहन को भी शामिल करना चाहता हूँ. मैंने भी अपनी जिंदगी के सारे फैसले अपने भैया की राय लेकर ही किए हैं, इसलिए. ये गाड़ी जरा खराब हो गई थी रास्ते में, तो इस शहर में बिना किसी मतलब के कोई किसी की मदद तो करता नहीं है. नहीं भैया, कुछ लोग बिना किसी मतलब के भी मदद कर देते हैं. कोई मतलब ना सही, लेकिन एक थैंक यू मिल जाए तो अच्छे लोगों को भी अच्छा लगता है. खाना बनाना आता है? भैया ये सवाल लड़के वाले लड़की से पूछते हैं. हाँ नहीं, वो ही तो मैं कह रहा हूँ, रंजू को खाना बनाना आता है, अच्छा बनाती है. सर
ये क्या हो रहा है? वही हो रहा है जो दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में हुआ था। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, बहुत ही हिट सीन है पप्पू, ये नोट कर लो। राइट सर। मोहन तुम्हें क्या लगता है? मुझे लगता है इस रंजो की डोली विदा करने के बाद बहुत जल्दी उदय की शादी में भी नाचना पड़ेगा यार। अब तक तुम दोनों ने एक दूसरे को अच्छी तरह समझ लिया होगा। बहुत अच्छी तरह। बेटे तो क्या फैसला है? जी पसंद है मुझे आपकी बेटी। और तुम्हें? मुझे भी। सिद्धांत पसंद है अपनी रंजो के लिए। फिलहाल तो यही होना बेटा। जी मैं एक्चुअली जा रहा हूँ बाहर 3-4 दिन के लिए। अच्छा अच्छा, फिर बैंगलोर। कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। थैंक यू। फिर मिलेंगे। कब? कल सुबह 11 बजे टीवी पे। टीवी पर? नमस्ते, आप सभी दर्शकों का हमारे इस प्रोग्राम में स्वागत है। अबे कहाँ कहाँ कहते हैं कहाँ एक मर्द का दिल जीतने का सबसे आसान तरीका होता है स्वादिष्ट भोजन। क्यों मंजू जी? जी हाँ, इसीलिए इनका दिल पिघलाने के लिए आज हम आपको सिखाएंगे स्वादिष्ट कुल्फी जमाना। इसके लिए क्या? भैया ये मुझे उनके बारे में कुछ बता रही है 2 लीटर दूध या अपने दिल की बात कर रही है? आधा चम्मच पिसी हुई शायद दोनों। शुरू करें मंजू जी? हाँ, सबसे पहले 2 लीटर दूध लें। अब एक साफ पतीले में मोहन 2 लीटर दूध और हल्की आंच पर। अरे अपने पास तो 1 ही लीटर है यार। चलाते रहे। 1 ही लीटर है? ध्यान रहे दूध नीचे ना लग। चिरंजी 1 लीटर दूध देना तो उसमें 1 किलो शक्कर धीरे धीरे ऐसे। अब जब दूध उबल जाए तो इसे जमाने की तैयारी करें। अच्छा, इसे सेट होने के लिए कितनी देर लगती है? गया फिर से। और 4-5 घंटे बाद निकाली आपकी स्वादिष्ट कुल्फी तैयार है। हाँ। नहीं मैं तो मतलब भाई साहब वो कुल्फी जमाना सिखा रही थी, आप तो खुद ही जम गए। कुल्फी कुल्फी ए कुल्फी रुको। क्या है, किसी लड़की को रोड पर इस तरह बुलाते हैं क्या? मेरा नाम नहीं? आपको देख के तो मैं अपना नाम भी भूल गया। कावेरी उदय। बताओ क्या काम है? वो हाँ, हम सब ने आपका शो देखा ना। ये कहने के लिए रोका मुझे? हाँ नहीं नहीं, मतलब वो एक्चुअली आपने अपने शो में बताया कि एक लड़की कुल्फी से एक लड़के का दिल कैसे जीत सकती है। क्या आप ये बता सकती हैं कि एक लड़का एक लड़की का दिल कैसे जीत सकता है? क्यों, आप किसी लड़की का दिल जीतना चाहते हैं? लड़की के दिल की बात उसकी आंखों में पढ़ सकते हैं। पढ़ना तो आता है ना। ए, कुल अपने दिल की बात कहने के लिए शब्द ढूंढ रहा हूँ। भैया हम जरा वॉक लेकर आते हैं। वॉक? वॉक। जाओ। सी यू। मिले? हाँ? शब्द दिल की बात कहने के लिए। हाँ
लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरी आंखों को पढ़ना होगा। मेम साहब के लिए दो दर्जन कुल्फी लेके आना। दो दर्जन कुल्फी? देशमुख भाई नमस्कार। कुछ नहीं, हमेशा की तरह मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं। ये होती तो कैसा होता, वो होती तो कैसा होता, दोनों होती तो और। क्या हुआ? कुछ नहीं, हम भी चले वॉक के लिए। ठीक है, मैं अभी बिल पे करके आया। उड़ यहाँ से। देशमुख साहब, नहीं कुछ नहीं, एक मिनट। स्मार्ट। देशमुख साहब, मैं आपको जरा टंकी खाली करके फिर फोन करता हूँ। हाँ। चिल्ला क्यों रही है? बदतमीज किसको बोलती है? तुझे तकलीफ हुई क्या? हाँ तब मुझको मारती है तू? क्या हुआ कावेरी? देखिए ना, ये आदमी पीकर अनाप शनाप बके जा रहा है। तो ये तेरा ग्राहक है आज? बस, इसके आगे एक और शब्द बोला ना तो पब्लिक प्लेस में पीकर लफड़ा करने के केस में अंदर करवा दूंगा। क्या? हाँ? मुझको अंदर करेगा तू? हाँ? क्या बोला तू? देख, हाँ? धक्का मत मार। मुझको? हाँ? बोला ना, धक्का मत मार। अंदर करेगा? हाँ? मैं मारूंगा तो मर जाएगा। तू पागल है क्या? हाँ? पागल है क्या तू? हाँ? बोला था ना, अब याद रख, मैं मारूंगा तो मर जाएगा। ये क्या हो रहा था यहाँ पर? अरे कुछ नहीं साहब, उस लड़के ने इनकाउंटर शंकर की ऐसी धुलाई की साहब, ऐसी धुलाई की कि आज के बाद वो किसी भी आम आदमी से पंगा लेना भूल जाएगा साहब। क्या मारा साहब। चलो टांका लग गया। थैंक यू डॉक्टर। ये दाग मिट तो जाएगा ना? आई एम सॉरी इंस्पेक्टर। तुम लोग वो लड़के का नाम पता बता दो। हाँ, नहीं तो तुम लोगों में से कोई भी यहां से जिंदा वापस नहीं जा पाएगा, समझे? कुत्तों की औलाद हो। क्या नाम है उसका? कल अगर रंजो नहीं होती, आज वो नहीं होता,
छोड़ ना यार, मेरे ख्याल से तू कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले रहा है। वैसे भी आज के बाद वो आईने में जब भी अपनी शक्ल देखेगा दो ही चीजें याद आएंगी उसे, एक तू और दूसरी तेरी मार। चल 10 और डाल। पागल हो गया क्या उदय? 80 हो जाएगा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कबीर शति हूँ लोग जाकर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। तुम में से उदय शिंदे कौन है? तुमको साहब ने बुलाया है। हेलो उदय। साहब। हाँ। खाना तैयार है। हाँ हाँ, कम अंदर बैठ के बात करते हैं। उदय, कल शाम तुम्हारा किसी के साथ झगड़ा हुआ था क्या? लोग उसे एनकाउंटर शंकर कहते हैं। वो उन पुलिस ऑफिसर्स में है जो अपने वर्दी का सही तरह से गलत इस्तेमाल करना जानते हैं। मेरी और उसकी बड़ी पुरानी पहचान है। लोक शक्ति, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। नारे लगाने से कुछ नहीं होगा, जिंदगी भर कूड़े कचरे में पड़े रहेंगे। हमें हमारे हक के लिए लड़ना होगा। गरीबों का मसीहा बनकर बैठा है। मेरा पार्टी से खड़ा होता था, आज मेरे खिलाफ खड़ा है। भ्रष्टाचार मिटाने का, गरीबों का सेवा करने का भूत सवार हुआ है इस पे। ए! समाज सेवा करने का इतना ही शौक था, किसी समाज सेवा संस्था में क्यों नहीं भर्ती हो गया? पॉलिटिक्स में भर्ती होने का क्या जरूरत था? जब तक ये है तब तक मेरा इलेक्शन जीतना तो दूर, जमानत भी वापस मिलने का उम्मीद नहीं है। चल, ये काम तो तू ही मेरे लिए कर सकता है। हे देशमुख भाई, क्यों आप दत्ता के साथ साथ मुझे भी हलाल करना चाहते हैं? ये काम पुलिस का नहीं है, कसाई का है, बाबू कसाई। भैया छीछड़े मत डालो, थोड़ा तो आएगा ना। अरे थोड़ा छोटा और छोटा। क्या कर रहे हैं भैया? ये लीजिए। कितने पैसे हुए माजी? नहीं नहीं, कोई बात नहीं, रहने दीजिए। क्यों, मैंने आपसे सब्जी खरीदी है ना, पैसे तो लेने ही चाहिए। सोचते हो दत्ता और उसके आदमियों को खुलेआम मारने के बाद तुम बच जाओगे? बस बहुत हो गया इंस्पेक्टर। शट अप। दस मिनट में तुम मुझे बाहर छोड़कर आओगे, बा इज्जत। ये उंगली मत दिखा मुझे। छोड़। ले, बज गई तेरे घंटे। आ गया फोन तेरे बाप का। उठा, मार मार, सैल्यूट मार। बोल, यस सर, नो सर, सॉरी सर, बोल बोल।
और मुझे इज्जत के साथ गाड़ी में बैठा कर घर छोड़कर चल उठा, फोन उठा, उठा उठा। तुझे तेरे 10,000 बाप भी यहां से छुड़वा कर नहीं ले जा सकते, समझा? चल, कोई फोन नहीं उठाएगा। लेकिन सर, मैंने कहा ना, कोई फोन नहीं उठाएगा। सर, आप शायद जानते नहीं हैं, ये कोई मामूली मुजरिम नहीं है, ये बाबू है, बाबू कसाई। अभी थोड़ी देर में पुलिस स्टेशन के बाहर नेताओं की लाइन लग जाएगी इसे छुड़ाने के लिए। और वैसे भी सर, इसके खिलाफ हमारे पास कोई सबूत तो है नहीं। सबूत है, मेरी बीवी। पछताओगे इंस्पेक्टर? देशमुख साहब, शंकर, बाबू का बचना मुश्किल है। शर्मा साहब की बीवी ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। मैं कुछ सुना नहीं चाहता। मिटा दो सारे सबूत, खत्म कर दो सारे गवाह, समझे? नमस्ते भाभी जी। सर घर पे हैं? जी, वो तो घर पर नहीं है। दरअसल उन्हें कुछ जरूरी काम था मुझसे, इसलिए घर पर बुलाया था। अगर आपको एतराज ना हो तो क्या मैं अंदर बैठकर उनका इंतजार कर सकता हूँ? प्यास लगी थी, पानी चाहिए था। आप जाकर हॉल में बैठिए, मैं लेकर आती हूँ। नहीं, आप तकल्लुफ मत कीजिए, मैं खुद ले लूंगा ना। आप अपना काम कीजिए। अरे भाभी जी, ये क्या कर लिया आपने? देखिए कितना खून बह रहा है। आप जाकर हॉल में क्यों नहीं बैठते? आप बाबू के खिलाफ गवाही देने के लिए क्यों राजी हो गई? अपनी आंखों के सामने अपनी बच्ची की लाश देखकर लक्ष्मी जिंदा लाश बनकर रह गई। देशमुख साहब ने इलेक्शन लड़ा, जीत गए, और मुझे पुलिस सिलेक्शन डिपार्टमेंट में भेज दिया गया और शंकर को इंस्पेक्टर बना दिया। बाबू के खिलाफ कोई गवाही नहीं मिली, इसलिए उसे बाइज्जत छोड़ दिया गया। सर, ऐसे लोगों को तो बेइज्जत करके इस दुनिया से रिहा कर देना चाहिए, गोली मार देनी चाहिए बीच बाजार को। चाहता तो मैं भी यही था, फिर सोचा मुझ में और उनमें क्या फर्क रह जाएगा। अपनी बीवी की हालत और बच्ची की मौत का बदला मैं भी लेना चाहता हूं, लेकिन कानून के दायरे में रहकर। जिस कानून का गलत फायदा उठाकर वो अंधाधुंध जुर्म करते जा रहे हैं, उसी कानून के दम पर मुझे उन्हें बीच चौराहे से घसीटते हुए फांसी के फंदे तक पहुंचाना है, और उसके लिए मुझे पुलिस डिपार्टमेंट में तुम जैसे ईमानदार नौजवानों की जरूरत है।
उदय, मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहता हूं। जब तक तुम पुलिस ऑफिसर नहीं बन जाते, उस शंकर से मत टकराना। पर जिस दिन तुम पुलिस इंस्पेक्टर बन जाओगे, उसे उसी के फंदे से मारना, लेकिन कानून के दायरे में रहकर। तब तक जरा संभल कर रहना। अंडरस्टूड? यस सर। Hey! हमारी गाड़ी खराब हो गई है, साहेब को लिफ्ट देनी है चौकी तक। ठीक है। साहेब, 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 वो मिल गया। कौन? उदय? नहीं साहेब, आपको लिफ्ट देने वाला। चलो। हो साहेब। अरे गाड़ी खराब हो गई है, पहुंचता हूँ अभी। हाँ। हीरो, पुलिस को देखते हेलमेट पहन लिया? पहना करो, ये हेलमेट ही तुम्हें बचाएगा एक दिन, वरना हमारे बाप का क्या जाता है? चल चल। क्या? अरे नहीं यार, उदय, उदय, उदय नाम के एक आदमी को नहीं ढूंढ पाए अब तक। एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए मुझे, मुझे कुछ नहीं सुनना। अगर आज शाम तक उसे ढूंढ नहीं पाए तो देख लूंगा मैं एक एक को। क्यों यहाँ है, नाकाबंदी क्यों है? उदय को पकड़ने की खबर तुम्हारी चौकी को भी मिल गई क्या? नहीं सर, एक क्रिमिनल कोर्ट से भाग गया है, उसी को पकड़ने के लिए ये नाकाबंदी की गई है। बाय द वे सर, क्या आप इस आदमी को जानते हैं? मैं? नहीं नहीं, इससे तो सिर्फ लिफ्ट ली थी। कम ऑन, डू योर ड्यूटी। ए, तुम्हारा हेलमेट उतारो। चलो भाई जल्दी करो। क्या कर रहा है? गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, संभाल के। ओके। उदय मिल गया। क्या? उदय मिल गया? यस सर। अरे यार उदय मिल गया उदय। सुना तुमने उदय मिल गया, अब उसे छोड़ूंगा नहीं मैं। क्या उसको? दयाराम, ओ दयाराम, अजून किती देर? बस बस, दो मिनट। दो मिनट करते करते दो घंटे हो चुके हैं। एक तो हम लोग लेट है, ऊपर से सारा सामान गाड़ी में रखना है। ए, इधर आ। क्या है ताई? क्या है ताई, सुबह से आवारा लोगों की तरह घूम रहा है, काम क्यों नहीं करता? करतोस ना, सुबह से काम ही कर रहा हूँ मैं। तो कोई मेहरबानी कर तो, अपनी बहन की शादी में भाई काम नहीं करेगा तो क्या बाहर वाले आके काम करेंगे? चल सामान उठा। एक बात बोलूं ताई? हाँ? तू गुस्सा करती है ना, मस्त खेल जाती है एकदम। अच्छा, मुझ पे लाइन मारता है? मैं तेरी शादी अपनी भांजी सुनंदा से करवाऊंगी और पूरे घर का काम तुझसे करवाऊंगी। सारा सामान यहाँ पड़ा हुआ है, कोई है भी नहीं यहाँ पर। ओफो, अरे उदय, उदय क्या तेरे कान में क्या हो गया? नहीं कुछ नहीं। बेटा मोहन, ये सामान वहाँ हॉल में पहुँचा। अच्छा, वो फूल वाला है वहाँ पे हॉल सजाने के लिए? हाँ बाबूजी, उसे पप्पू और श्रीराम लेकर के हॉल पहुँच गए डेकोरेशन के लिए। बताओ, तुम सुबह से इतना काम कर रहे हो, और दूसरा वो उदय जिसका सुबह से कुछ पता ही नहीं है। बाबूजी, वो सुबह सीधे कावेरी के घर के लिए निकल गए, वो लोग बाकी का सामान लेकर डायरेक्ट हॉल पहुँच रहे हैं। मोहन, लगता है रंजू और सिद्धांत के साथ साथ उन दोनों को भी फेरे लगाने पड़ेंगे। बाबूजी आइडिया बुरा नहीं है, लगता है बहुत जल्द एक और खरीदना पड़ेगा। दूसरों की अमानत पर यूं नजर नहीं डालते। और अपनी अमानत पर? अरे अरे अरे, क्या हुआ, झटका खा गई? अब क्या हुआ इसे? पता नहीं, मैं देखता हूं। बॉनेट खोलो। छः
चार पहियों पे मुसीबतों का डब्बा आई है। इससे तो अच्छी मेरी बाइक थी। स्टार्ट करना कावेरी, फिर से ट्राई करो। ये तो गई। अपने दोस्त से कहिए इसे बेचकर एक बैलगाड़ी ले ले, इससे तो अच्छी चल जाएगी। उदय, ताने मारना बंद करो और ये बताओ कि अब करना क्या है। अब क्या करना है, वही जो रोज मुंबई की करोड़ों की आबादी करती है। रिक्शा, रिक्शा। मिले क्या? नमस्ते, आइए आइए। हाय, कावेरी। हाँ? वो पंडित जी ने मंगलसूत्र मंगवाया है। अच्छा, अभी लाए। वाह, रंजो की आएगी बारात, नन 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 नन। हेलो, लगता है तुम्हें भी उसकी बीमारी हो गई है। भाई जल्दी से मंगलसूत्र दो, थाली सजानी है। नहीं है। क्या हुआ? लगता है गाड़ी में छूट गया। क्या? मंगलसूत्र? क्या हुआ? कुछ नहीं, मंगलसूत्र बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल मंगलसूत्र। कहाँ जा रहे तुम लोग? भाई वो कावेरी को यहाँ का नाश्ता पसंद नहीं आया, तो सोचा वो सामने वाले होटल से जरा नाश्ता करके आ जाते हैं। क्या? यार समझता नहीं है तू। भाई उसके कान खाली हैं। हम वहाँ सामने से दो सोने की सुंदर सी बालियाँ लेके आ रहे हैं। भाई हमारी होने वाली भाभी है, लाखों में एक दिखनी चाहिए कि नहीं? हम जाएं? हाँ, जाओ जाओ जाओ। चलो चलो चलो, निकल लो। अरे जल्दी आना।
तुम मंगलसूत्र निकालो, मैं पेट्रोल भरवा के आया। ठीक है। सवेरे तो पीटी उषा की तरफ भाग रही थी। चलो अब भागो। भाग भागना। यार कहाँ है तेरा? मुझे नहीं पता। देखता हूँ कब तक अपने यार को बचाती है। सिंधे हो साहिब, इसको जीप में डाल दो। हो चल चल। देखो मुझे शरीफ औरतों को बदनाम करना अच्छा नहीं लगता। एड्रेस बता दो वरना इन लोगों के साथ तुम्हारी भी तस्वीर बोर्ड पर लग जाएगी। चलो उसका एड्रेस बता दो। मुझे नहीं पता। कितनी देर लगा दी तुम लोगों ने? कावेरी का मंगलसूत्र का? उदय उदय कावेरी को इंस्पेक्टर शंकर पकड़ के ले गया। क्या? I'm sorry उदय, हमने तुमसे झूठ बोला। एक्चुअली मंगलसूत्र गाड़ी में रह गया था, हम उसे लेने गए और वो पता नहीं कहां से आ गया। जा रहा हूं कहां? कावेरी को लाने। क्या? ये बात किसी को नहीं पता लगनी चाहिए। उदय साहिब, ये मिला है उसके बैग से। मंगलसूत्र? अब तो हम इस पर वन नाइट मैच का भी केस ठोक सकते हैं। ए, छोड़ उसे। उदय! अरे देखो भाई, आज भगवान खुद चलकर आ गए हमारे घर पे। वेलकम भगवान जी, आइए। अरे छोड़ दो भाई, छोड़ दो उनको, वैसे भी पुलिस बदनाम है बेगुनाह लोगों को परेशान करने के लिए। तुम जाओ, शादी खत्म होने तक किसी को मत बताना मैं यहाँ हूँ। उदय पर ये तुम्हें मुझे कुछ नहीं होगा, तुम जाओ। उदय कावेरी वामहे प्रियानंदा प्रियपति वामहे। कावेरी उदय कहाँ है? जी वो बारातियों का ख्याल रख रहे हैं। वर अपने दाम्पत्य सुखार्थ वधु के गले में मंगल सूत्र प्रदान करें। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके माधवं मधुसूदनं रुक्मणी सहितं देवं विष्णुं आवाभ्यां शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुवांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिर्विद्यानंदं वंदे विष्णुं भवैरणं सर्वलोकैकिनं। आज उसकी बहन की जिंदगी का सबसे अहम दिन है और उससे बिल्कुल परवाह नहीं। भैया कहाँ हैं? Yeah.
भगवान ज्ञान कुंज सागर। हाँ सर कर दिया। अरे मैंने हाँ बाय। आइए सर, बड़े दिनों के बाद हमारी याद आई आपको। जाओ अजय, साहब के लिए तीन ठंडा लेके आओ। साहब रुको, जरूरत नहीं है। उदय शिंदे कहाँ है? कौन उदय शिंदे सर? वही जिसे तुम लोगों ने बंद कर रखा है। हम लोगों ने? अजय, हमारी रसद में कोई उदय शिंदे? यस। हाँ, उदय शिंदे नाम का आदमी है? नहीं साहब, कोई नहीं। सर नहीं है। सर ये झूठ बोल रहे हैं। उदय ने मेरे सामने अपने आप को उनके हवाले किया। जरूर इन्होंने कुछ किया होगा सर। देखिए मैडम, कुछ भी कहने से पहले जरा सोचिए। पुलिस जनता की रक्षा के लिए है, ना कि उन्हें मारने के लिए। सर अगर आपको यकीन नहीं आ रहा हो तो आप ये FIR चेक कर लीजिए। सर सर इसकी बातों पर यकीन मत कीजिए, कावेरी झूठ नहीं बोल रही है। हे हीरो, और एक बार मेरी तरफ गलत उंगली उठाए ना तो अंदर कर दूंगा, पूरी हीरोगिरी भूल जाएगा तेरी। देखो शंकर, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूं। सर अगर आप मुझे अच्छी तरह से जानते हैं तो फिर अपना वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हैं? थैंक यू वेरी मच सर। प्लीज अब बाहर आइए। देखिए उधर ने यही शर्ट पहनी थी। नो नो डोंट टच। आर यू श्योर? यस सर। डैनी से बेटा, आराम से, आराम से। कुछ ही दिनों की तो बात है, तुम फिर से चलने लगोगे बेटा। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। उदय, भगवान ने तुम्हें दूसरा जन्म दिया है, और वैसे भी वो इंस्पेक्टर अपनी ड्यूटी के लिए कम और गुंडागर्दी के लिए ज्यादा मशहूर है। हम आम आदमी हैं, उन गुंडों से जितना दूर रह सके उतना ही हमारे लिए अच्छा है। और इस वक्त तुम्हें बदला लेने से ज्यादा अपनी सेहत पर ध्यान देना चाहिए। जल्द से जल्द ठीक हो जाओ। तुम्हें फाइनल टेस्ट के लिए तैयार भी तो होना है। हाँ भैया, आपने हमारी शादी कराने के लिए इतना कुछ किया, सब बेकार जाएगा। हाँ बेटा, तुमने मुझसे वादा किया है पुलिस अफसर बनने के बाद तुम मेरे पापड़ों का नहीं मुजरिमों का कचुंबर बनाओगे। ए यार ताई ठीक बोलती है, तेरे बगैर ताई के पापड़ों का कचुंबर बनाने में बिल्कुल मजा नहीं आएगा। ए उदय, बस कुछ दिन शांत रहे। हाँ उदय, हम सब तेरे साथ हैं, और अगर तुझे कंपनी की जरूरत है तो तुम्हें खुद तेरे साथ यहाँ सोने को मेरा मतलब रुकने को तैयार हूँ। वुमेन्स इमोशंस पे लिखी हुई अपनी कहानी सुना के मैं दिन रात तेरा ख्याल रखूंगा। बेटा पप्पू, जी सर, फाइल देना। यस सर। ए, कोई जरूरत नहीं है। क्यों? माँ बाबूजी कावेरी बहुत है उदय का ध्यान रखने के लिए। तुम लोग निकलो। एकदम बराबर, तू यहाँ रहेगा तो अच्छे खासे लड़के को पागल बना।
बना देगा। अरे निकलो यहाँ से सब, चलो। कमाल हो गया यार। ए चल। और लेकिन ताई। चलो। चल चल। चलो बाहर बैठते हैं। अच्छा बेटे। नमस्ते। कैसे है उदय? सो रहा है। डॉक्टर्स ने क्या कहा? पैर बुरी तरह जख्मी हो चुके हैं। ठीक होने में कितना वक्त लगेगा इसके बारे में अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। वेल, ये रहा उदय के फाइनल फिजिकल टेस्ट का कॉल लेटर। पर डॉक्टर्स ने तो कहा। मैं जानता हूं, लेकिन पुलिस फोर्स ज्वाइन करने के लिए फिजिकल टेस्ट पास करना बहुत जरूरी है, और इस वक्त तो उदय अपने पैरों पर भी नहीं खड़ा हो सकता। मुझे याद है जब मुझे उदय पहली बार मिला था तो उसने मुझसे कहा था कि वो पुलिस फोर्स को अपनी काबिलियत के दम पर ज्वाइन करना चाहता है, और मुझे बहुत अच्छा लगा था। कहते हैं कि दुनिया में हर चीज पाना मुमकिन है अगर उस इंसान में उसे पाने का जुनून हो, उसमें आत्मविश्वास हो। आज उदय के जुनून और उसके आत्मविश्वास का इम्तिहान है। उदय उठे तो उसे मेरी तरफ से एक बात कहिएगा। हिम्मत मर्दा मदद खुदा। आई वांट टू विश ऑल द बेस्ट। जी बाबूजी। सरस्वती, अगर इसे पुलिस ऑफिसर बनना है तो इसे आत्मविश्वास की जरूरत है। आशीर्वाद दीजिए, मैं अपने फाइनल टेस्ट में कामयाब हो जाऊं।
उदय शिंदे, पुलिस का मोटो जानते हैं? यस सर, अपनी जान पर खेलकर समाज की रक्षा करना। मतलब तुम जानते हो ड्यूटी निभाते वक्त तुम्हारी जान भी जा सकती है। वो मेरा सौभाग्य होगा। तो मिस्टर उदय शिंदे, आप इंटरव्यू के लिए तैयार हैं? यस सर। थैंक यू सर, बेस्ट ऑफ लक। साहब आपके लिए लेटर है, कमिश्नर साहब के ऑफिस से। किया जाता है कि उदय शिंदे पुत्र श्री दयाराम शिंदे रहवासी 4 नंबर 24 रूम नंबर 8 विठल निवास वीरादेसाई रोड मुंबई जो आपके थाने के वर्ग में है उनका सहायक इंस्पेक्टर पद के लिए चयन किया गया है। आप जल्द से जल्द उनका चरित्र प्रमाण पत्र तैयार कर उसे पुलिस भर्ती विभाग में जमा करें। क्या हुआ साहब? ये साला बच कैसे गया? कौन साहिब? साहिब अब कंग्रेचुलेशंस भैया। थैंक यू। कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। सुनो, मैं केक नहीं खाऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे कुल्फी चाहिए। ये लो। ये बात। I owe all this to my wife. भाई उदय, इस दुनिया में अपनी बीवी को खुश देखने से बड़ी और कोई भी खुशी नहीं है। हाँ भाई, मेरी खुशी भी मेरे प्यार की खुशी में। क्यों? उदय, मैं चाहता हूँ कि तुम कावेरी को वो सारी खुशियाँ दो जो मैंने रंजू को दी हैं। कोशिश तो जरूर करूंगा। बहुत जल्द मुझे मेरे जॉइनिंग ऑर्डर्स मिलने वाले हैं। भैया, आपने उदय को आपकी कंपनी की नई ब्रांच के बारे में नहीं बताया? हाँ या उदय, हमारी कंपनी बैंगलोर में एक नई ब्रांच खोलने वाली है और उसके लिए हमें अच्छे और मेहनती लड़कों की जरूरत है। रियली? ये तो बहुत अच्छी बात है। शायद मेरे किसी दोस्त के काम आ जाए। भैया आपके दोस्तों के लिए नहीं कह रहे हैं। आपको भैया कोई अच्छी पोस्ट दिलवा सकते हैं क्या? हाँ उदय, वैसे देखा जाए तो क्या रखा है पुलिस की नौकरी में, चंद मेडल्स के अलावा। और वैसे भी जितनी तनख्वाह वो तुमको देंगे उससे कहीं ज्यादा खतरा तुम्हारी जान को होगा। ये आप क्या कह रहे हैं? आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हम सबने मिलकर भैया के लिए सिर्फ एक ही सपना देखा है। हाँ लेकिन रंजो, मैं तो सिर्फ इनकी भलाई के लिए कह रहा हूँ ना। मैं तो सिर्फ इतना ही चाहता हूँ कि तुम दोनों शादी के बाद खुश रहो ना, कि सारी जिंदगी रोज तुम्हारे आने तक ये डर में गुजारे। प्लीज, आपने इन्हें ये सब कहने के लिए बुलाया है? प्लीज भैया, इनकी बातों का पुरानी मानना, इन्हें नहीं पता ये क्या कह रहे हैं। सही तो कह रहे हैं रंजो, अपनी बहन के अच्छे और बुरे के बारे में सोचने का पूरा अधिकार है इनको। सर, मेरा नाम उदय शिंदे है, एक पुलिस ऑफिसर बनने वाला हूं जिसकी तनख्वाह सिर्फ 4,000 रुपए है। शायद मैं कावेरी को वो सारे सुख ना दे पाऊं जो आप मेरी बहन को दे रहे हैं, लेकिन पुलिस की वर्दी मेरे लिए एक पेशा नहीं, मेरा अस्तित्व है, एक सपना नहीं, मेरी सच्चाई है। और हाँ,
ड्यूटी के समय मुझे कुछ हो जाए इसकी मैं कोई गारंटी तो नहीं ले सकता। ड्यूटी के लिए अगर मुझे अपनी जान भी देनी पड़े तो मैं तैयार हूं। कावेरी, एक पुलिस ऑफिसर की बीवी का सर या डर से झुक सकता है या गर्व से उठ सकता है, और मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी सारी जिंदगी डर में गुजारो। इसलिए कंग्रेट्स। क्या चाहिए? मुझे तो सिर्फ तू चाहिए चिरंजी, फिर लड़का हो या लड़की मैं एडजस्ट कर लूंगा। ए रंजो, मुझे तो एक प्यारा सा भांजा चाहिए। हा? मुझे तो लगता है भाभी हमको गुड़िया देगी बिल्कुल अपनी तरह, है ना भाभी? ताकि वो बड़ी होकर अपने दिल के बजाय दूसरों की बात सुने, है ना? क्या भैया, जाने भी दो ना, मुहूर्त बीता जा रहा है, रस्में पूरी कर ले। अरे चूड़ियां कहाँ गई? यहाँ। मैंने सोचा आज भूल जाऊंगी तो मुसीबत हो जाएगी, इसीलिए। अच्छा किया बेटी। एक मिनट माँ जी, देखिए हमारा ये जो एंग्री यंग बॉय है इसके अंदर एक लवर बॉय भी है, तो इसे तकलीफ करने दीजिए ना, आप क्यों मेहनत कर रही हैं? आइए उदय जी, तशरीफ लाइए, आइए आइए। अबे जाना भाव क्यों खा रहा, चल जा। चूड़ी टूटने के ख्याल से इतना डरती हो? कभी किसी का दिल तोड़ते समय सोचा है उसे कितना दर्द होता होगा? आप जानते हैं हमको, हम ना कह पाएंगे, मुस्कुरा के हमको देखो हम भी मुस्कुराएंगे। मैं नहीं बेवफा ना खफा, भूल भी जा भी जा।
जानते हैं हमको हम न कह पाएंगे, मुस्कुरा के हमको देखो हम भी मुस्कुराएंगे, मैं नहीं बेवफा ना खफा भूल भी जा भूल जा भूल जा हाँ, भूल जा का चप्पा चप्पा छान मारो। क्या बात है सर? पता चल जाएगा अभी। साहब ये बरामद हुआ अंदर से। हाँ? गांजा हीरोइन, तो ये काम करता है आपका बेटा? हाँ? ये सब झूठ है। जानता हूं मैं, लेकिन उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाना है ना। भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। उसने सपना देखा है पुलिस अफसर बनने का। वो तो उसका सपना ही रह जाएगा माँ जी। ऐसी जिल्लत की जिंदगी दूंगा उसे मैं? ये उसके सर्टिफिकेट्स। जो आदमी पुलिस कमिश्नर की ऑफिस से ये सर्टिफिकेट्स ला सकता है वो तो कुछ भी कर सकता है कि नहीं? यकीन नहीं आ रहा। नहीं, नहीं, ऐसा मत करिए, ऐसा मत करिए, ऐसा मत करिए। मेरे बेटे का, मेरे बेटे का, मेरे बेटे का, प्लीज, प्लीज। लाइए, मुझे दे दीजिए, मत कीजिए ऐसा। तुम्हारा बेटा वापस आ जाए तो उसे कह देना कि चुपचाप अपने आप को मेरे हवाले कर दे, वरना नमूना तो तुम लोगों ने देख ही लिया। आराम से रंजू, देख एक एक पैर देख के रख। हाँ, इसको संभाल के रख। हाँ आराम से। हाँ भैया। अरे तू समझती नहीं है, डॉक्टर ने बताया ना क्या बोला था, बिल्कुल संभाल के। अरे अरे धीरे धीरे धीरे, आराम से। तेरे लिए एक गिलास पानी लाता हूँ। अरे माँ एक गिलास पानी ला। अरे माँ क्या हुआ? हाँ बाबूजी ने कुछ कहा क्या? बाबूजी माँ ये क्या है बाबूजी? बाबूजी यहाँ क्या हुआ? बेटे इंस्पेक्टर शंकर यहाँ आया था, उसने तेरे सर्टिफिकेट, हमने उसे रोकने की बहुत कोशिश की बेटे, पर तेरे बाबूजी को मारा। सरस्वती उदय, वो बहुत खतरनाक आदमी है बेटा, तू अपने पुलिस ऑफिसर बनने का सपना छोड़ दे, ये लड़ाई और आगे मत बढ़ा। क्यों? क्योंकि हम आम लोग हैं, वो अपनी वर्दी का जब चाहे जैसे चाहे फायदा उठाए, हमारी इज्जत को पैरों तले कुचल दे और हम चुप बैठे? क्यों? हम कोई रास्ते पे पड़ा हुआ कचरा नहीं है बाबूजी। बेटा बाबूजी इस मां ने एक नपुंसक को नहीं जना है। बाबूजी उसने यहां नहीं यहां वार किया है, और अब ये बात आगे नहीं बढ़ेगी। मुझे रोकने के बजाय आशीर्वाद दीजिए, कल सूर्योदय होगा। शंकर कहाँ है? साहेब वड़ा लगे।
दलितों की मीटिंग चल रही है उसके बंदोबस्त के लिए, पर तू कौन है? उसका बाप। गर्मी है ना सर, मीटिंग कर रहे हैं। कर चुके हैं। क्या कारण है? हमें दूसरों को नीचा दिखाना है क्या? हमें अन्य देशों को ये दिखाना क्या है कि देखो दुनिया के सबसे बड़े डेमोक्रेसी का पालन करने वाले देश में अपने ही लोगों पर बाप का राज समझते हैं? रीका माल है क्या? चले आते हैं। नहीं, यस सर, एवरीथिंग अंडर कंट्रोल इन बड़ाला सर। सर, क्या हम गलत हैं? क्या हमारी मांगे गलत हैं? सर, क्या हम दूसरे हिंदुस्तानियों से अलग हैं? क्या सोचा था? क्या इस देश का संविधान पुलिस ऑफिसर बनेगा? हिंदुस्तानियों की तरह हम पर मेरे कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा तू? तुझे माँ और बाबूजी पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था। शुक्र कर, तुझको अनाथ नहीं किया। क्या कर लेगा तू? साले बीच में गोली मार दूंगा। क्या घूर क्या रहा है? हाँ, क्या घूर रहा है? हाँ, साले शिंदे साहब, जीप में डाल दो इसको। हो साहब। एक मिनट, ये पुलिस वाला हमारी जात और हमारे नेता को गाली देता है। मैंने रोकने की कोशिश की तो मेरे को छोटी जात का कीड़ा बोल के लॉकअप में डालने की धमकी देता है। आपने जात वाले को लॉकअप में डालने की धमकी देता है? चलो, पूछ रहा था ना क्या कर सकता हूं। अब देख, आज हम लोग इसको ऐसा सबक सिखाएंगे कि आइंदा पुलिस होने का फायदा नहीं उठाएगा। तुम लोग बाहर जाओ, मुझे इससे जरूरी बात करनी है। तुम भी। क्या जरूरत थी तेरे को उन लोग की मीटिंग में उनके लीडर की, उनकी जात की बुराई करने की? मैं तेरे को उधर भेजा बंदोबस्त के लिए और तू खुद उधर पे झगड़ा करके आए? तेरे को पता है उन लोग का पार्टी इस इलेक्शन में मेरे को सपोर्ट कर रहा है, तू कुछ बोलता क्यों नहीं? बोल! देख शंकर, उदय के साथ तू आपस का झगड़ा इलेक्शन के बाद निपटाने का, समझा ना? वरना अगली बार मैं तेरे को सस्पेंड होने से नहीं बचाएगा, समझा? अच्छा माँ जी, चलती हूँ। जीती रहो बेटी। बाय भाभी। अच्छा बाबू, खुश रहो बेटा। उदय, माँ बाबूजी का ख्याल रखना, मैं कावेरी को छोड़ के आता हूँ। चलो कावेरी। भाग ले तू। बाबूजी, मैं थोड़ा चलो। गया रे गया, तू गया। अभी हम दोनों के लिए मुझे ही पुलिस ऑफिसर बनना पड़ेगा। काय काय हाँ? बाबू, शंकर। कौन शंकर? एनकाउंटर शंकर। ओ शंकर भाई, हाँ बोलो। ट्यूं 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 मैं निकला हो गड्डी लेके। ए बंद करो, ये मेरे भांजे के लिए, ये सब तुम्हारे खेलने के लिए नहीं, समझे क्या? अंकल हम भी खेलेंगे। बड़ी देर हो चुकी है,
उदय लौटा नहीं अभी तक क्या? बाबूजी उदय को घर में रखने का बेगी तरीका है। क्या? कावेरी को घर ले आइए हमेशा के लिए। वैसे माँ आइडिया बुरा नहीं है। हाँ तो नहीं रंजो, मुझे तो ये डर लगता है कि कहीं ड्यूटी जाते समय वो उसे भी अपने साथ पुलिस स्टेशन न लेता जाए। लीजिए उदय आ गया, उसी से पूछिएगा ये सवाल। बाबू, बाबू कसाई नाम है मेरा। उदय के आने तक अगर तू जिंदा रहा तो कहते ना उसे कि आग से खेलने वाले खुद जल जाते हैं, आग को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने रंजू, माँ बाबूजी, किसी को कुछ नहीं होने दिया, कुछ नहीं होने दिया मैंने। किसने किया ये सब? लोचा हो गया यार। अभी हम दोनों के लिए तुझे ही पुलिस ऑफिसर बनना पड़ेगा। ए, चुप, कुछ नहीं होगा तुझे, कुछ नहीं होगा। वादा कर उदय, उदय वादा कर। Thank you.
हिंदुस्तान की आबादी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है तो सोचा कि बाबू के हाथों थोड़ी कम करवा दूं। आज तेरा दोस्त मरा है, कल बाप मरेगा, परसों माँ मरेगी, सिलसिला तो चलता ही रहेगा। अब 10 मरने से तो बेहतर है कि एक मरे, है कि नहीं? देख अब भी वक्त है, अपने आप को चुपचाप मेरे हवाले कर दे और वर्दी पहनने का सपना छोड़ दे। मुझ पे हाथ उठाता है, हाँ? लोगों के सामने होशियारी दिखाता है, कटर में रहकर मुझसे दुश्मनी करेगा। कुत्ते की मौत मरवा दिया ना अपने दोस्त को। क्यों अपनी मौत को सामने खड़ा देख डर लग रहा है? अब सोच, जब ये गोली तेरे सर में घुसेगी तो तुझे कितना दर्द होगा महसूस कर। जब मेरा दोस्त मोहन मरा तो उसे कितना दर्द हुआ। आंखें खोल और देख अपनी मौत को, देख, देख। बाबू, शंकर। शंकर, जब देखो चांदनी रात को मावस बनाने आ जाते हो। बोलो। सुन, मुझे उदय के दोस्त के कत्ल के बारे में कुछ जरूरी बात करनी है। ठीक आधे घंटे में कंटेनर यार्ड पे मिल। अरे फोन पे बताना यार। ये बातें फोन पर नहीं हो सकती हैं। ठीक आधे घंटे में कंटेनर यार्ड पे मिल। उदय, उदय तुम बहुत खतरनाक चाल चलने जा रहे हो। इस शंकर, तू तो जाके देख। शंकर, कि तुम इस तरह की कोई गलती करो और तुम्हें वो फंसाए, क्या इन्हें देख के मेरा खून नहीं खोलता?
यार मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था, इस देश को इस समाज को तुम जैसे नौजवानों की जरूरत है। अब फिर भी तुम्हें लगता है कि तुम जो कर रहे हो सही कर रहे हो, देन गो अहेड, शूट हिम, बिकम अ क्रिमिनल। सर, इसके जैसे कीड़ों को एक बार समाज से हटा दूं, फिर मेरे जैसे ही क्या हजारों उदय पैदा होंगे। मुझे आपकी कही हुई हर बात अच्छी तरह से याद है सर, यह भी याद है कि आपने इन सबको फंदा पहनाने की कसम खाई थी। मैं भी वही कर रहा हूं सर। फर्क सिर्फ इतना है, बिना वर्दी के Yes. सर, सर आपने रिवॉल्वर दिखाएंगे हमें? रिवॉल्वर क्यों सर? Do as I say. Sure सर. Please fire. तो ये है आपकी असली रिवॉल्वर, होली के रंग से भरी हुई। और ये रही आपकी असली रिवॉल्वर, हमें सिर्फ कंफर्म करना था। मेरी बात सुनिए सर। सॉरी, अब आपको जो कुछ भी अपनी सफाई में कहना है इंक्वायरी कमीशन के सामने कहना। हाँ सर, लेकिन सॉरी। मना क्या था ना मैं तेरे को कि इलेक्शन खत्म होने तक कुछ नहीं करने का, मगर तुझसे तो अपना हार बर्दाश्त नहीं होता। बाबू को मरवा दिया उस लड़के के हाथों और अब खुद बड़ा मुसीबत में फंस गया। अगर तुझसे प्यार नहीं करता ना तो मरने दिया होता तुझे। घूर मत, हकीकत बयान कर रहा हूं मैं। हर बार जोश के साथ नहीं होश के साथ भी काम करना चाहिए, समझा ना? हो जाए। जिस बाबू से तुम कत्ल करवाते थे आज उसी बाबू का कातिल कहलाते हुए कैसा लग रहा है शंकर? जानता है कि बाबू को तूने नहीं मारा, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है। क्राइम स्पॉट पर तेरा रिवॉल्वर मिला है। अपनी वर्दी को अच्छी तरह से देख ले शंकर, बहुत जल्द उतरने वाली है। तू तो फंस गया शंकर, और तुझे फंसाने वाला ही तुझे मुक्त करेगा तेरी जिंदगी से। दर्द बर्दाश्त करने की आदत डाल ले, क्योंकि आज से एनकाउंटर शंकर का सिर्फ दर्द से एनकाउंटर होगा। शंकर, आज से तू खलास। शंकर, शंकर जाग। अब ये सोच कि कल अपनी सफाई में क्या बोलेगा। सर माफ कीजिए, लेकिन ये बाबू है कौन? कोई संत है, महात्मा है?
कोई देशभक्त है? नहीं सर, वो एक खतरनाक गैंग का लीडर है जिसके ऊपर मर्डर, एक्सटॉर्शन और डकैती के कई सारे केसेस हैं। अगर आप चाहें तो ये फाइल देख सकते हैं सर। और नकली रिवॉल्वर, वो तो हमेशा मैं अपने पास रखता हूँ क्योंकि सर्विस रिवॉल्वर कभी भी खराब हो सकती है, जैम हो सकती है। अगर आप चाहें सर तो सब इंस्पेक्टर शिंदे से ये बात कंफर्म कर सकते हैं। और अगर ये बात है तो फिर तुम्हारा असली रिवॉल्वर वहां से कैसे बरामद हुआ और बाबू के आदमियों के साथ उसकी अपनी लाश क्यों नहीं मिली? वो इसलिए सर क्योंकि जब मुझे बाबू और उसके गैंग की इन्फॉर्मेशन मिली तब मैं अपने घर जा रहा था, यानी कि मैं अकेला था सर, और मेरे पास सिर्फ 10 गोलियां थीं। उसमें से 6 मैंने चला दी, उसी में बाबू के 2 लोग मारे गए और बाबू भी बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गया। मैं अपनी रिवॉल्वर फिर से भरी रहा था सर, तभी बाबू के एक आदमी ने पीछे से मुझ पर हमला कर दिया। उसी हाथापाई में मेरी सर्विस रिवॉल्वर नीचे गिर गई और उस मौके का फायदा उठाकर बाबू और उसका एक आदमी भागने लगा। सर उस वक्त मेरी रिवॉल्वर ढूंढने से भी मैंने उनका पीछा करना ज्यादा जरूरी समझा, लेकिन अफसोस सर अंधेरे का फायदा उठाकर वो दोनों भाग गए। अगर उस वक्त मेरे पास मेरी नकली रिवॉल्वर ना होती तो आज शायद आपको मेरी लाश वहां मिलती सर। सर मैंने एक गलती की, मैंने तुरंत ये बात अपने सीनियर्स को नहीं बताई, लेकिन सर वही बात कहने मैं सवेरे अपने घर से निकला था कि मुझे सीबीआई वालों ने पकड़ लिया। मुझे अपनी बात कहने का मौका तक नहीं दिया, मुझसे ये तक नहीं पूछा कि मैं अपनी नकली रिवॉल्वर साथ में क्यों रखता हूं। सर अगर आप मुझे सजा देना चाहें तो जरूर दें, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने अपनी जान पर खेलकर अपना फर्ज निभाया है। लेकिन सर मुझे लगता है कि अहम सवाल यह है कि वो कौन लोग हैं जो हमें गुमराह करना चाहते हैं, वो कौन है जो बाबू को बचाना चाहते हैं। हालांकि वो नाकामयाब हो गए हैं सर, क्योंकि बाबू बहुत ही बुरी तरह से जख्मी हो चुका है और अब तक तो शायद मर भी चुका होगा। बस उसकी लाश ढूंढना बाकी है सर। तो भाई ठीक है इंस्पेक्टर शंकर, उसकी लाश को जल्द से जल्द ढूंढकर उसके मौत एनकाउंटर में दिखाकर इस फाइल को बंद कर दीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। तेरे को तो बनिया होना चाहिए था, पूरी अच्छी बांधता है। अपनी लाइन में ये भी आना चाहिए। क्यों, खेल में मजा आ रहा है? तुम वैसे मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता था, जो काम मैं और देशमुख भाई करना चाहते थे वो आपने कर दिया। सरदर्द बन चुका था सारा। अच्छा हुआ तुमने बाबू को लुढ़का डाला, बहुत अच्छा हुआ। ए शंकर, बाबू कुत्ते, दिखा देना अपने जात। मैंने तुम लोगों के लिए कितनों को सुलाया और तुम मुझे सुनाना चाहते हो? बाबू मेरी बात सुनो, सड़की की बातों में मत। हेलो बाबू, मैं देशमुख बोल रहा हूँ। सुनो देशमुख, एक बात अपनी खोपड़ी में अच्छे से घुसा लेना कि अगर अगर मेरा एक भी बाल टूटा ना तो मैं तुम्हारे सारे काले कारनामों का कच्चा चिट्ठा अदालत में खोल दूंगा। कुछ नहीं होगा तुझे, लड़के को फोन दे। हाँ तो देशमुख साहब, सौदे की बात करें। कोर्ट जाने का धमकी दे रहा है? ए शंकर, अगर ये सचमुच वहां पहुंच गया तो हम दोनों को अभी से तीर्थ यात्रा का टिकट कटवाना पड़ेगा हथकड़ी के साथ। हर बार इलेक्शन के टाइम मुझ पर ही क्यों मुसीबत आता है? ए शंकर कुछ सोच यार, दिमाग काम नहीं कर रहा है, कुछ सोच। शुक्रिया यहां तक मेरा साथ देने के लिए। ये काम बाबू और उसके आदमी उदय का है,
कल उन दोनों को मिलने के लिए मंत्री जी ने फार्म हाउस पर बुलाया था, लेकिन मौका पाकर उन दोनों ने ये घिनौना काम कर दिया। लेकिन आपने ही तो बाबू को एनकाउंटर में मारा था। हाँ, लेकिन हमारा ये सोचना ही गलत निकला। अनफॉर्चुनेटली बाबू बच गया, उसे उदय ने बचाया। लेकिन मंत्री जी उन मुजरिमों के साथ कर क्या रहे थे? मंत्री जी का ये मानना था कि हर मुजरिम को सुधरने का एक मौका देना चाहिए। वो उन दोनों को सरेंडर करवा कर उन्हें एक अच्छे नागरिक की तरह जीने का मौका देना चाहते थे। मंत्री जी गोली के बदले गोली में यकीन नहीं करते थे, लेकिन अफसोस उनका ये विश्वास गलत निकला। मेरा ये मानना है कि हर मुजरिम सिर्फ एक ही भाषा समझता है, और वो भाषा है बुलेट। How can अभी बहस करने से कोई फायदा नहीं है सर, माफ कीजिएगा। आप मेरे खिलाफ जो भी कार्रवाई करना चाहते हैं बाद में करें, लेकिन अगर बाबू और देशमुख के संबंधों के बारे में जनता को पता चला तो माहौल बहुत बिगड़ सकता है। सर मुझे उदय और बाबू के खिलाफ शूट एट साइट ऑर्डर दीजिए सर। ठीक है इंस्पेक्टर, लेकिन सर प्लीज डोंट वरी, मुझ पर भरोसा रखिए। क्या आप बता सकते हैं मुजरिमों को पकड़ने के लिए आगे सरकार का क्या एक्शन होगा? शहर में चारों तरफ नाकाबंदी है, वो हमसे बचकर नहीं जा सकते। देखिए मैं एक बात जानता हूँ, कोई भी मुजरिम, कोई भी शख्स, चाहे कितनी भी बड़ी पोस्ट पर क्यों न हो, वो कानून से ऊपर नहीं हो सकता। इस तरह दहशत फैला कर वो हम पर राज नहीं कर सकते। देशमुख जी जैसे जनता के सेवक का खून करके क्या वो ये समझते हैं कि वो बच जाएंगे? नहीं। बर्दाश्त की भी हद होती है। खुद तो मरेगा, इनको भी एनकाउंटर में मरवाएगा। सर दादर स्टेशन से उतर के आप थोड़ी दूर चलेंगे तो बाई तरफ कैडल रोड है सर। कैडल रोड पे दादर केटरिंग कॉलेज, आपको मालूम है ना सर? हाँ मालूम है, आगे बता चल। सर दादर केटरिंग कॉलेज से और थोड़ा दूर चलेंगे तो बाई तरफ प्रभा देवी रोड आता है सर। हाँ सर, वो प्रभा देवी रोड पे दाएं नहीं बाएं नहीं दाएं बाएं बाई तरफ सर सिद्धि विनायक जी का मंदिर है। हाँ। वो तो आप लोगों को मालूम होगा ना सर? हाँ मालूम है, आगे। सर मैं उस सिद्धि विनायक की कसम खाता हूँ, मुझे नहीं पता। हेलो राम साधे, अरे जितना कमीना मैं तुझे समझता था ना, तू तो उससे भी ज्यादा निकला। अरे बाबू, यही फायदा है टेक्नोलॉजी का, अपनी बात आप बड़ी आसानी से सामने वाले तक पहुंचा सकते हो। शंकर। अरे उदय साहब, आप नमस्कार। नमस्कार, बड़ी तमन्ना थी आपसे बात करने की। बहुत बोला, अब सुन। बचपन में तूने एक कहावत सुनी होगी, सिर्फ एक चिंगारी सारे जंगल को आग लगा देती है, और फिर मैं तो आग का गोला हूं। अपनी सारी ताकत लगा ले शंकर, अब मुझे बाबू को कोर्ट ले जाने से कोई नहीं रोक सकता। आई लाइक चैलेंजेस मिस्टर उदय। कल तक इस पूरे खेल से पर्दा उठ जाएगा। हाँ, कल एक नया सूर्योदय होगा, शांति और अमन वाला। बाबू को यहां से कोर्ट पहुंचाना बहुत जरूरी है। वो दिखा क्या? उसकी गन मेरी कटपट्टी पे है। अरे देख क्या रहे हो, तोड़ दो दरवाजा, चल चल चल। उदय तू बाबू को लेकर निकलो यहां से। लेकिन सर आप, तुम जाओ, मैं संभाल लूंगा, जाओ। तू पिस्तौल मुझे दे और तू जा, तुम जाओ, तुम जाओ।
तुम जाओ उदय। ओके सर, चलो। बाबू कसाई जिसने शंकर और देशमुख के कहने पर कई जाने ली है, आज मरते मरते एक सच बोल रहा हूं कि उदय बेकसूर है। आज वो जो कुछ भी कर रहा है अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए कर रहा है। जज साहब, बहुत लोगों की जाने जा चुकी हैं और कई और जाने जाएंगी। मैं मरते हुए झूठ नहीं। ये जी
चाहे मैं रहूं ना रहूं, यह समाज एक नया सूर्योदय जरूर देखेगा। पुलिस डिपार्टमेंट की तहकीकात और सब इंस्पेक्टर शिंदे की गवाही से यह साबित होता है कि इंस्पेक्टर शंकर मोहन और बाबू के कत्ल का जिम्मेदार था। इंस्पेक्टर शंकर ने निजी दुश्मनी के लिए उदय शिंदे और उसके परिवार पर ज्यादतियां की। उदय शिंदे ने जो कुछ भी किया इंस्पेक्टर शंकर के पैदा किए गए हालात से मजबूर होकर किया, लिहाजा ये अदालत उदय शिंदे का व्यक्तित्व, उसका पिछला रिकॉर्ड और भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे बाइज्जत बरी करती है। सर सर सर, एक्सक्यूज मी सर। सर, इतनी मुश्किलों के बाद भी आप पुलिस ऑफिसर बने, इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? मुश्किलों के सामने डटे रहना, इसी को दम कहते हैं। दम है तो दुनिया तुम्हारी।